हमने तो डिसाइड किया हुआ है हम किसको वोट देंगे, आप भी डिसाइड कर लीजिए, लास्ट मिनट तक नहीं रुकिए। हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है विदेश में, आपने देखा है, मतलब सब इंडिया की ओर इस तरह से देख रहे हैं जैसे पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखा करते थे। बाकी देशों में आप देखिए कितने झगड़े चल रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से, हमारे यहाँ पीस है और आप मन लगा के अपना काम कर सकते हैं शांति से। वो बहुत इंस्पिरेशनल हैं जहाँ से वो आए हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, हर आदमी उनको देख के यही सोचता है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। ये लोगों को इंस्पायर करने की बात आई थिंक बहुत कम लोगों में होती है। हमने तो डिसाइड किया हुआ है हम किसको वोट देंगे, आप भी डिसाइड कर लीजिए, लास्ट मिनट तक नहीं रुकिए। देखिए किसने अच्छा काम किया है, कहाँ पे तरक्की हो रही है, कौन सा स्टेट है जो आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है, और बस सोच समझ के अपना वोट दीजिए, क्योंकि जैसे सब कहते हैं एक एक वोट बहुत कीमती होता है। मोदी सरकार पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छे से चला रहे, हमारी इज्जत कितनी बढ़ गई है विदेश में, आपने देखा है, मतलब सब इंडिया की ओर इस तरह से देख रहे हैं जैसे पहले हम लोग अमेरिका की तरफ देखा करते थे। हमारे देश को एक आगे बढ़ता हुआ, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, फाइनेंशियली स्ट्रांग, और हमारे जो युवा हैं उनकी उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारे जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरह से बाकी देशों में आप देखिए कितने झगड़े चल रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से, चाहे वो रशिया हो जो भी हो, हमारे यहाँ पीस है और आप मन लगा के अपना काम कर सकते हैं शांति से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस सब का क्रेडिट आई थिंक हमारे प्राइम मिनिस्टर को जाता है, एंड वो बहुत इंस्पिरेशनल हैं जहाँ से वो आए हैं और जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं, हर आदमी उनको देख के यही सोचता है कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। तो ये लोगों को इंस्पायर करने की बात आई थिंक बहुत कम लोगों में होती है, एंड वो 24 आवर्स काम करते हैं। बहुत बार जब मैं भी थक जाती हूँ, मैं उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन मांग के चलती हूँ कि नहीं, मैं तो एक घर चला रही हूँ, वो एक देश चला रहे हैं, उनको कितनी दिक्कतें आती होंगी, वो तो हार नहीं मानते। तो उसी तरह से बहुत लोग, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, जैसे आज बोधगया में हूँ और छोटी छोटी जगह जाती हूँ इवेंट्स के लिए, सभी चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन हो, छोटी सी बात थी, एक स्लोगन था, उसने लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया। उसके लिए मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक स्लोगन से लोगों का मन बदला, लोगों की भावनाएं बदली, लोगों का एटीट्यूड बदला, और खास करके छोटी जगह, मतलब हम सिटीज़ में तो लड़कियों को पढ़ाते ही हैं, लेकिन गाँव में लोग अब कह रहे हैं कि नहीं, मेरी दो बेटियां हैं, यही मेरी उम्मीद है, इन्हीं को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, यही मेरे को लड़कों की तरह बाद में मेरा ध्यान रखेंगी, और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।